मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का हमारा DMIS फर्स्ट ईयर का क्लास है और DMIS फर्स्ट ईयर में से हम लोग सेकेंड पेपर अभी इसमें देख रहे हैं। हमारा करंटली जो टॉपिक है वो शुरू है एंडोक्राइन सिस्टम। तो देखिए, हमने लास्ट दो लेक्चर से हमने एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किया है और उसके बारे में जो बेसिक थिंग्स है वो भी हमने देखी है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? एक्सक्यूज मी सर, आपका आवाज कट के आ रहा है बहुत, ओम प्रकाश जी। मुझे थोड़ा लास्ट क्लास का रिकैप चाहिए क्योंकि मैं ज्वाइन नहीं किया था कल वाली क्लास जो थी, कुछ बिल्कुल करेंगे ना हम लोग, उसका प्रॉब्लम रिकॉर्ड करेंगे से। हम लोग। हाँ तो पहले बताइए कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? हाँ सर, दीज आर द ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस द हार्मोन्स एंड दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स विच डक्टलेस मॉनिटर द ग्लैंड्स, अमाउंट ऑफ हार्मोन्स इन आवर बॉडी। करेक्ट। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या देखा हमने कि एंडोक्राइन सिस्टम कुछ ग्लैंड से बनी होती है और वो ग्लैंड्स होते हैं डक्टलेस ग्लैंड, मतलब उसमें कोई डक्ट नहीं होता है। डायरेक्टली ये जो हार्मोन इसमें प्रोड्यूस होते हैं तो वो डायरेक्टली सिक्रेट करते हैं ब्लड स्ट्रीम में, रक्त वाहिनियों में डायरेक्टली सिक्रेट करते हैं। इसमें कोई ट्यूब नहीं होता है, कोई डक्ट नहीं होता है, इसलिए इसे कहा जाता है डक्टलेस ग्लैंड या फिर एंडोक्लाइन ग्लैंड, और उसी को हिंदी में कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो हमने पहले देखा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, फिर बाद में देखा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक कॉम्बिनेशन है ग्लैंड्स का, अंतःस्रावी ग्रंथियों का, और ये ग्रंथि क्या करती है, ये ग्रंथियाँ हार्मोन का प्रोडक्शन करती है और सिक्रेशन करती है। ठीक है, अब हार्मोन्स क्या है? तो हार्मोन्स कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो सिग्नल पहुंचाते हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट देखा था हमने कि इसका वर्किंग कैसा होता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में देखा हमने कि वर्किंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है या फिर एंडोक्राइन सिस्टम है उसका वर्किंग कैसे है। तो उसमें हमने देखा था कि इसमें एक जो बहुत अहम जो रोल है वो है हाइपोथैलेमस का। जो हाइपोथैलेमस होता है वो इसमें बहुत अहम रोल करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये लिंक करता है, मतलब जोड़ता है हमारे नर्वस सिस्टम को और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे कि हमने बताया कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड में टोटल 9 ग्लैंड्स है, तो उसमें से एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड और उसे कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड क्यों कहा गया है, क्योंकि वो बाकी सभी ग्लैंड्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उनको मॉनिटर करता है, उनको कमांड देता है कि वर्क कैसे करना है, तो इसलिए उसको कहा गया है मास्टर ग्लैंड। और एक ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को भी जो कंट्रोल करता है वो होता है हाइपोथैलेमस, इसलिए उसको कहा जाता है हाइपोथैलेमस इज अ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मतलब मास्टर ग्लैंड का भी वो मास्टर है। ठीक है, तो इसमें हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है विद द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसी के साथ साथ वो हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस प्रोसेस को स्टेबल करता है, उसको हेल्प करता है कि हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस बना रहे, इक्विलिब्रियम बना रहे। ठीक है, तो ये देखा था हमने लास्ट लेक्चर में। इसके बाद हमने देखा कि नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम क्या होती है, कौन बताएगा? व्हाट इज नर्वस सिस्टम? कल देखा हमने नर्वस सिस्टम के बारे में। कल के लेक्चर में बहुत से थे आपके, आप में से बताइए व्हाट इज नर्वस सिस्टम? डिंपल, यस सर, इट इज द सिस्टम विच कंट्रोल अवर अवर एक्शंस लाइक सेंस
इंटीग्रेशन एंड मोटर आउटपुट. यस, दीज आर द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम. यस, हाँ, तो हमने देखा था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है. तो नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स है, उसमें जो पार्ट्स है, उनके आपस में कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है. मतलब जैसे कि एक ऑर्गन है और एक पार्ट है, उनमें आपस में जो कोऑर्डिनेशन रहेगा, उनमें आपस में जो वो फंक्शन करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, तो उसमें हेल्प करता है हमारा नर्वस सिस्टम. और ये नर्वस सिस्टम के दो मेन पार्ट्स होते हैं, दो मेन ग्रुप से डिवाइड किया गया है. एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब क्या है, जिसमें हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड काम करता है, वो फंक्शन करता है, वो हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और पेरिफेरल मतलब क्या है, तो जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही है, उनका जो ब्रांच है, उनका एक बंच होता है, और वो उनका जो वर्किंग है, उसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है. और इसके जो नर्वस सिस्टम है, इसके तीन मेन फंक्शन होते हैं. एक होता है सेंसरी इनपुट. सेंसरी इनपुट मतलब क्या है कि हमारे जो सेंसेस है, सेंस ऑर्गन्स है, जो पांच इंद्रिया है, पांच सेंस ऑर्गन है, उनसे वो सेंसरी इनपुट लेता है. मतलब जैसे कि टंग है, तो इसे टेस्ट पता चलेंगी हमें, टेस्ट को हम लोग सेंस करेंगे. नोज है, तो एयर को, स्मेल को हम लोग सेंस करेंगे. आईज अगर है, तो कलर को या फिर हमें जो दिख रहा है साइट, तो वो उसको हम लोग सेंस करेंगे. ईयर है, तो ईयर से हम लोग साउंड को सेंस करेंगे. फिर बाद में हमारा स्किन है, स्किन से हम लोग टेम्परेचर या फिर टच को सेंस करते हैं. ठीक है. तो ये पांच सेंसेस है, इसकी मदद से हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारे बॉडी में इनपुट को लेता है. मतलब स्टिमुली जिसे हम बोलते हैं, मतलब सेंसरी इनपुट जाता है. फिर सेकेंड उसका फंक्शन है इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मतलब क्या है, ये जो सेंसेस के माध्यम से जो सिग्नल गए हैं अंदर, जो इन्फॉर्मेशन अंदर गई है, उस पर वर्क करना. ठीक है, उसका वो हुआ इंटीग्रेशन. और थर्ड हुआ मोटर आउटपुट. मोटर आउटपुट मतलब क्या है कि ये जो इन्फॉर्मेशन पे हमने काम किया है, उस पर फिर वो रिजल्ट करना, एक्ट करना, उसका इफेक्ट दिखाना, इसे बोलते हैं हम लोग मोटर आउटपुट. जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर हमारे आजू बाजू में अगर बहुत ज़्यादा हीट है, जैसे कि समर सीज़न में होता है. समर सीज़न क्या होता है कि हमारे आजू बाजू जो एनवायरमेंट है वो गर्म हो जाता है, हीट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी भी हीटअप होने लगता है. तो हमारा जो एक सेंस ऑर्गन है स्किन, वो क्या करेगा, वो ये एनवायरमेंट को सेंस करेगा और सिग्नल पहुँचाएगा हमारे नर्वस सिस्टम तक. ठीक है. और मतलब ये ऑर्डर पहुँचाएगा कि बाहर हीट ज़्यादा हो रहा है. ठीक है. फिर बाद में क्या होगा, नर्वस सिस्टम में वहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, उस पर काम होगा. काम क्या होगा, तो वहाँ पे डिसाइड किया जाएगा कि अब क्या करना है, हीट जो बाहर की बढ़ रही है उसके लिए क्या करना है. तो वहाँ पे फिर रिजल्ट आएगा, मोटर आउटपुट आएगा. मोटर आउटपुट क्या आएगा कि हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स है, जो स्किन, स्किन पर जो स्वेट ग्लैंड रहते हैं, उनको कमांड मिलेंगे कि आप स्वेटिंग को शुरू करो. मतलब स्वेट जो मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करो, ताकि हमारी बॉडी पे स्वेटिंग हो और हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए. ठीक है. ये हुआ सेंसरी इनपुट, इंटीग्रेशन एंड मोटर आउटपुट. ये काम होता है हमारे नर्वस सिस्टम का. समझ में आया तक? हाँ सर. ओके. तो ये हुआ हमारे नर्वस सिस्टम का काम. अब हमारा हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, इसी की मदद से, मतलब जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया टेम्परेचर मेंटेन का, तो ऐसे हमारे बॉडी में कई सारे फंक्शन होते हैं. हार्मोन्स का लेवल कम ज़्यादा होता है, बॉडी टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है, हमारे बॉडी में बहुत सी प्रोसेस चलती है, फंक्शंस चलते हैं. तो हर किसी को मेंटेन करना, मतलब होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना, होम्योस्टेसिस को हेल्प करना, ये काम होता है हमारे हाइपोथैलेमस का. तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस को भी कंट्रोल करेगा, मेंटेन करेगा, और उसके साथ साथ हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसको कनेक्ट करेगा एंडोक्राइन सिस्टम से विद द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. मतलब बाहर जो भी चेंजेस हुए हैं वो नर्वस सिस्टम रीड करेंगी, वो सिग्नल पहुँचाएंगे हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस ऑर्डर देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को,
पिट्यूटरी ग्लैंड ऑर्डर देंगी एंडोक्राइन सिस्टम को, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड्स है एंडोक्राइन ग्लैंड्स उनको वो ऑर्डर देंगी, और फिर हमारे एंडोक्राइन सिस्टम जो ग्लैंड्स है वो पर्टिकुलर काम करेंगे। ऐसे ये पूरे चेन में काम होता है और हमारे बॉडी में हर चीज मेंटेन होते रहती है, और उसी को कहते हैं होमियोस्टेसिस। समझ में आया जो आज न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, कल कुछ स्टूडेंट नहीं थे, आप लोगों को समझ में आया चीज? आवाज नहीं आ रहा है आपका कुरेशी मसूद सर? होमियोपैथिस एक बार और, ये सर भी आ रहा है क्या? हाँ अभी आ रहा है। हाँ बोलिए। हेलो सर, एक बार एक्सप्लेन करो ना होमियोपैथिस का। होमियोपैथिस क्या? हाँ तो देखिए होमियोपैथिस मतलब क्या होता है, आपको एक एग्जांपल जैसे मैं दिया अभी टेम्परेचर का, और एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करती है, ये मास्टर ग्लैंड है, और ये हमारे पूरे ब्लड को, हमारे बॉडी की जो ब्लड है उसको वो मॉनिटर करती रहती है कंटिन्यूसली, ताकि पता चले कि इसमें कितना हार्मोन्स कम है, ज़्यादा है, कितना उसका लेवल है, ये सब चीज़ को पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, मॉनिटर करती रहती है हमेशा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को पता चलता है कि हमारी ब्लड में थायराइड जो हार्मोन है वो कम हो गया है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेंगी, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर देंगी कि आप थायराइड ग्लैंड ज़्यादा बनाइए, क्योंकि आपके ब्लड में, मतलब बॉडी के ब्लड में जो लेवल है थायराइड हार्मोन का वो कम हो गया है। तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर देगा, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के कहने पर हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या करेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा थायराइड ग्लैंड्स का, सॉरी थायराइड हार्मोन्स का, और जैसे वो थायराइड हार्मोन्स का ज़्यादा सिक्रेशन करेगा वो हमारे ब्लड में रिलीज होगा, सिक्रेशन होगा, और फिर जो सी मात्रा कम हो गई थी थायराइड हार्मोन्स की, उसकी वो जो मात्रा है वो बराबर हो जाएंगी, मेंटेन हो जाएंगी। ठीक है, इसी को कहते हैं होम्योस्टेसिस, मतलब हमारे बॉडी में जो फंक्शंस इम्बैलेंस हो रहे हैं या फिर जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं उसको मेंटेन करना, उसको स्टेबल करना, मतलब डिटेक्ट किया कि क्या कम ज़्यादा है, उस पर प्रोसेस किया और उसी हिसाब से काम किया, मतलब आउटपुट दिया, इन सब चीज़ों को जब प्रोसेस चलती है इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। समझ में आया अभी? यस सर। आवाज कट रहा है क्या मेरा? नहीं सर, आ रहा है, बरोबर आ रहा है। हाँ तो ये था हमारा होम्योस्टेसिस। तो इसमें जो मेन काम है वो होता है हाइपोथैलेमस का, ये अभी तक हमने देखा। तो इसी तरह हमारा एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है। अब फर्स्ट लेक्चर में आपको दिखाया था मैंने कि जो हमारे 9 ग्लैंड्स होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनका पिक्चर भी दिखाया था, उनका लोकेशन भी बताया था। अब आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें कौन से पार्ट्स हैं और उनका फंक्शन क्या है वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप न्यू टॉपिक डालिए, पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। अब इसमें लिखिए, द एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ organs called as glands, Next point, glands produce and release
glands produce and release different hormones that targets specific things in the body Next point, there are total 9 endocrine glands There are total 9 endocrine glands as described below. ज़्यादा फास्ट हो रहा है क्या? थोड़ा फास्ट लिखिए क्योंकि ज्यादा हम लोग समय इसमें नहीं दे सकते ना. ठीक है. हाँ सर बराबर है. बराबर है ना. ओके. तो हम लोग क्या बता रहे हैं इसमें कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग टाइप्स के जिसे हम लोग ग्लैंड कहते हैं. मतलब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जैसे कि आपको बताया पीनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, तो ये क्या ग्लैंड्स है, इनको ऑर्गन कहा गया है. मतलब एंडोक्राइन सिस्टम में ऑर्गन्स है जिसे हम लोग ग्लैंड कहते हैं. वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स का और उसका सिक्रेशन भी करते हैं ताकि पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो ठीक से चल सके. जैसे आपको बताया मैंने कि थायराइड का लेवल अगर कम होता है तो हमारा थायराइड ग्लैंड काम करेगा. फिर हमारे ब्लड में और कोई चीज़ का कमी होती है जैसे कि अभी हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं, हम लोग स्ट्रेस में जाते हैं, हम लोग खुश होते हैं, तो हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर हार्मोन का सिक्रेशन होता है और वो सिक्रेशन करने के लिए एक पर्टिकुलर ग्लैंड काम करता है. ठीक है. तो हमारे बॉडी में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जो भी काम हो रहा है, उसके लिए एक पर्टिकुलर हार्मोन की ज़रूरत है और वो हार्मोन सिक्रेट करता है हमारे ग्लैंड्स. ठीक है. अब इसमें से फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है हाइपोथैलेमस. फर्स्ट ग्लैंड का नाम डालिए हाइपोथैलेमस ग्लैंड. टेन मिनट्स में अभी हमारी मीटिंग ऑफ हो जाएंगी तो रिजॉइन करना है. स्क्रीन पे देखिए आपको पिक्चर दिखाता हूं मैं हाइपोथैलेमस का. दिख रहा है पिक्चर हाइपोथैलेमस का? हेलो. यस सर. हाँ देखिए मैं अभी मार्क भी करता हूँ. देखिए ब्लू कलर से मैंने मार्क किया, ये हमारा हाइपोथैलेमस है. इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट लोकेशन. इसका लोकेशन कहाँ पे है वो लिखना है. लोकेशन में लिखिए हाइपोथैलेमस इज अ स्मॉल रीजन ऑफ द ब्रेन
ऑफ द ब्रेन विच इज लोकेटेड बिलो द थैलेमस एंड अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, तो यहाँ पे से आप लोग पीछे में देख पा रहे हैं, तो हमें क्या बताया कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है क्या है, छोटा सा रीजन है, एक छोटा सा एरिया है जो हमारे ब्रेन में मौजूद रहता है. जैसे आप लोग लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, पूरा हमारा ब्रेन है, इसमें ये लोकेटेड है. अब ब्रेन में कहाँ पर लोकेटेड है, तो हमारा जो थैलेमस होता है, मतलब यहाँ पर ऊपर थैलेमस रहेगा और उसके नीचे होता है हाइपोथैलेमस. तो थैलेमस के नीचे और ये जो नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके ऊपर, इसका लोकेशन होता है हाइपोथैलेमस का, मतलब पिट्यूटरी और थैलेमस के बीच में. ठीक है, ये इसका लोकेशन बताया गया है हाइपोथैलेमस ग्लैंड का. समझ में आए इसका लोकेशन? हेलो. यस सर, यस सर. हाँ, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट डालिए, फंक्शन. अब इसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है ये, फंक्शन में लिखिए. इट इज कंसीडर्ड टू बी अ लिंक स्ट्रक्चर बिटवीन द नर्वस एंड द एंडोक्राइन सिस्टम its main function is to maintain the homeostasis of the body. Next point. It controls many processes. In your body, including body temperature, appetite. appetite, appetite, circadian rhythm का स्पेलिंग CIRCA
DIAN सर्कैडियन रिदिम एंड सेक्सुअल फंक्शन एंड सेक्सुअल फंक्शन। ठीक है, पीछे देख लिया आप लोगों ने सभी? तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया, जो हमारा हाइपोथैलेमस है तो उसमें सबसे पहले हमने लोकेशन देखा कि हमारे जो ब्रेन है ब्रेन के मिडल में, और ब्रेन के मिडल में हमारे थैलेमस, मतलब थैलेमस एक पार्ट है, उसके नीचे जो होता है उसे कहते हैं हम लोग हाइपोथैलेमस, मतलब थैलेमस के नीचे है और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर है, ऐसे इसका लोकेशन होता है हमारे हाइपोथैलेमस का। अब इसका फंक्शन देख रहे हैं हम लोग, तो इसका मेन फंक्शन आपका, आपको बताया मैंने स्टार्टिंग में ही कि हमारा हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है हमारे दो सिस्टम को, एक नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को।